हाँ मेरे भाई जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का थर्ड टी मुकाबला कवर करने के लिए आए हैं पहले मुकाबले में रवि बिश्नोई ने धमाका किया सेकेंड मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने धमाका किया जो कि हम लोगों का कैप्टन था तो अभिषेक शर्मा हम लोग का कैप्टन था क्या इस बार भी वो कैप्टन के प्रबल दावेदार रहेंगे देखो अगर यदि पाँचवें गेंदबाज के रूप में अभिषेक शर्मा ही खेलते हैं तो फिर से उनके ऊपर जा सकते हैं लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि वो बल्लेबाजी से फलोफ होने वाले इस मुकाबले में वो काफ़ी सस्ते में निपट सकते हैं अभिषेक शर्मा इस तीसरे टी मुकाबले में हाँ गेंदबाजी भी वो करेंगे तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा हालांकि गेंदबाजी में उनके तार धार नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग रिस्क ले सकते हैं बाकी लोग अभी क्या करेंगे अभिषेक शर्मा के ऊपर जाएंगे जब हम लोगों को अभिषेक शर्मा के ऊपर जाने का था तो चला गया अब बात करेंगे तो तमाम चीज़ें देखें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इस मैच में ही प्रदर्शन करने वाले बाकी अभी तक दो मैच में फ्लोप रहे हैं बात करेंगे मेरे भाई लेकिन अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ इनके अलावा जी का टीम पिच रिपोर्ट प्लेइंग एलेवन यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करता हूँ तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है जी हमारे भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पर लिंक होगा ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक चौरासी उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पचपन पॉइंट चार के सब्सक्राइबर वाले पे आ जाओगे बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह हर अपडेट लेकर जाओगे तो मेरे भाई दूसरे टी मुकाबले में हुआ क्या था इंडिया की तरफ से शुभमन गिल आते हैं अभी मिजरबानी के गेंद पे वो चौके जड़ने के चक्कर में एक प्लेयर को जो पार करना होता है वहाँ ये नहीं कर पाए केज दे बैठे अभिषेक शर्मा का करीबन सत्ताईस के योग पे ईजी केज ड्रॉप हुआ जो कि डब्लू मसाकाडजा ने केच को ड्रॉप किया था एल जोंगवे के गेंद पे। उनके बाद से अभिषेक शर्मा ने जो पिटाई की मेरे भाई एक भी गेंद हमें लगता है कि बाउंड्री पार नहीं की बाउंड्री 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 और वो लोग पूरी तरह से मैच से बाहर हो गए ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा की तरह धीमी खेला ओ की तरह खेलने के लिए जाने जाते हैं शुरुआत में ये अपने आप को मतलब कि स्थापित करते हैं खेलने लायक करते हैं फिर पिच को गमते हैं और फिर अच्छे खासे इनिंग खेल जाते हैं विकेट जल्दी नहीं गिरेगा मेरे भाई रिंकू सिंह रिंकू सिंह का रील रोल वही प्रकार से होने वाला है जैसे आई में आंद्रे रसेल का होता है बल्लेबाजी आंद्रे रसेल का सबसे नीचे जा रहा है जा रहा है अगर यदि तीन से चार ओवर बचाए तो भाई ऊपर ही आएगा तो तीन चार ओवर के लिए रिंकू सिंह हमेशा से रहता है यहीं जल्दी विकेट गिरता तो रिंकू सिंह नहीं आता साई सुदर्शन आता फिर जल्दी गिरता रियान पर आता ध्रुव जुरेल आता तब रिंकू सिंह आ सकता था तो रिंकू सिंह को कहीं ना कहीं इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो इनको जल्दी भेजने का असर रहेगा अगर यदि विकेट लेट गिरता है तो गेंदबाजी में देखो बी मुजहरबानी शुरुआत में गजब की गेंदबाजी कर उछाल भरी गेंद जो कि बल्लेबाज को थोड़ा सा टफ होता है ये चाहता पहले गेंदबाजी में इंपोर्टेंट हो सकता था सिकिंदर राजा को हम लोगों ने जो भी किया था कि इस बार ये बढ़िया नहीं करेगा वैसा ही हुआ एल जुंगू यहाँ पर इनका और शतक पूरा हो गया यानी सभी गेंदबाज को अच्छा खासा मार पड़ा था अब यहाँ से जिम्बाब्वे की तरफ से मध्यवेरा ठीक ठाक प्लेयर है ये पहले ऑलराउंडर के तौर पर खेलते थे थोड़ा इनके ऊपर जा सकते हो बरियान बेडनेट यहाँ से इंपोर्टेंट रहेगा बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने वो ब्रेक गेंदबाजी करेगा साथ में बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया हर मैच में अच्छे टच में दिखे वो भी आक्रमक टच में सिकंदर राजा तो इम्पोर्टेंट रहेगा इंडिया के लगभग सारे गेंदबाज यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे भाई अब चलिए जरूरत चीज़ों को समझते हैं लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ इनके अलावा कुछ जानकारी लेना इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी शानदार तरीका से मेरे भाई विकेट कीपरिंग में सबसे बढ़िया चॉइस कौन होना चाहिए हमें लगता है एक दो बदलाव इंडिया की टीम में देखने को मिल सकता है जिम्बाब्वे की टीम में भी मिल सकता है तो वो मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे देखो यहाँ से ध्रुव जुरेल के ऊपर ही जाएंगे वैसे इंडिया पहले गेंदबाजी करेगा तो फिर जिम्बाब्वे के विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं हालांकि ध्रुव जुरेल लास्ट मैच की तरह शुभमन की लाग बंद करके पिक करना ही है फुल जाए जो जाए वो अलग की बात है यहाँ से हार के अखबार जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाया इम्पोर्टेंट रहेगा सिकंदर राजा अभिषेक शर्मा वाशिंगटन सुंदर वी वेनट यहाँ से हो गया इनके अलावा यहाँ से रवि बिश्नोई आवेश खान मुकेश कुमार अब ये जो टीम देख रहे हो ना लगभग लोगों को टीम में इतने सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे विकेट कीपर को ज़्यादा तवज्जो ना दो तो चलेगा दोनों विकेट कीपर सामान्य है तो इतने सारे प्लेयर सारे लोगों को टीम पे दिखाई देंगे अब ये दो प्लेयर जो मैच विन और लोस करवाने की कारण बनेगा जैसे यहां पर देखोगे तो पहले गेंदबाजी कर रहा है अगर जिम्बाब्वे की टीम तो यहाँ से टी चतरा बी मुजरबानी दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट तो रहेंगे हालांकि एल जोंगवे को पिक करोगे तो एक चीज है चार ओवर तो कंप्लीट करता है साथ में बल्लेबाजी भी ये कर लेता है ऐसा नहीं कि लास्ट मैच में किया इस वजह से हमेशा सारे दिन ये करके दिखाता है अब यहाँ से इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो मेरे भाई फिर से वही काम करना है क्या करो आप यहाँ से जोंगवे की जगह हो सकता है इंडिया के आपको लग रहा है तो वही काम कर सकते हो जल्दी विकेट गिरेगा तो साई सुदर्शन आ सकता है मेरे भाई साई सुदर्शन अवेलेबल ही नहीं है तो हो सकता है वाई जयसवाल के ऊपर जाया जाए वो जो भी होगा देखा जाएगा यहाँ से रिंकू सिंह के ऊपर जा सकते हो जो क्या कर पहले बल्लेबाजी में लास्ट मैच की तरह हो तो हालांकि हमारा जहाँ तक मानना है एल जोंगे होना चाहिए और देखो इंडिया का अगर जब एक्स्ट्रा गेंदबाज एक खेलता है तो मैं अभिषेक शर्मा को सीधे ड्रॉप कर दूंगा सिर्फ बल्लेबाजी के तौर पर नहीं पिक करूँगा थोड़ा बड़ा रिस्क मैं ले सकता हूँ देखो इस मुकाबले में कैप्टन बी का हमेशा की तरह तीन बेस्ट चॉइस ही होना चाहिए अब इसमें जा सकते हो वैसे इंडिया के सारे गेंदबाज कैप्टन बीसी का बढ़िया च्वाइस है वो तो अलग की बात है तो आपको कैप्टन बाहर से रोटेशन में ले लेना है बाकी एल जंग की जगह एक एक, एक बार करके सबको ट्राई करना ऐसा कॉम्बिनेशन ही बनाना विकेट कीपर को एक बार उनके जगह इनको ले लेना फिर उसी तरह से एल जंगो को एक एक, एक, एक बार करके रोटेशन कर लेना है कैप्टन भी बस गेंदबाज के ऊपर ही जाना है बाकी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ है भी नहीं तो थोड़ा सा जो है ना लॉजिकली रिस्क लो ज़्यादा इस मुकाबले में तूफान रिस्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया मजबूत है तो इंडिया के ज़्यादा प्लेयर यहाँ से वर्क करेगा और यहाँ से देखा जाए तो जिम्बाब्वे कमज़ोर है तो इनके तीन चार प्लेयर अगर यदि आप सिलेक्टेड पिक कर लेते हो तो वो काम कर जाएगा फ़िलहाल के लिए हमारा कैप्टन देखोगे तो रवि बिश्नोई ही होने वाला है और बी के लिए मैं यहाँ से सिकंदर रजा के ऊपर इस बार मैं जा रहा हूँ अभी लास्ट मैच में जो अभिषेक शर्मा कैप्टनसी दिया अभी मैं इनको फिलहाल ड्रॉप करके चलाऊँ पिच रिपोर्ट लाइनअप और टोस अपडेट आने के बाद मैं फिर इनके ऊपर सोच सकता हूँ तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो